ये एक ऑफ बीट सम है इस चैप्टर का, और नहीं करके जाओगे तो एग्जाम में आ जाएगा, तो हो सकता है दिक्कत पड़े, बेटर है कर ले। नेट एसेट्स निकाले सबसे पहले, तो हम स्टेटमेंट बनाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट्स। सम अगर आपने पढ़ा होगा तो लिखा गया है कि फिक्स्ड एसेट्स एंड स्टॉक ले रहा है 7,20,000 की प्राइस पे, तो फिक्स्ड एसेट्स और स्टॉक ले रहा है, डेटर नहीं ले रहा। तो फिक्स्ड एसेट एंड स्टॉक 720, दैट्स इट। लाइबिलिटीज तो ले ही नहीं रहा है, नेट एसेट्स आगे 7,20,000। अब परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज करनी है, तो 7,20,000 हमारी परचेज कंसिडरेशन है, वो कैसे डिस्चार्ज कर रहा है? कैश दे रहा है हमें कितना? 3,60,000। फिर हमें डिबेंचर्स दे रहा है 1,80,000 के एट पार, तो डिबेंचर्स ऑफ नैनो लिमिटेड 1,80,000। फिर 1,20,000 इक्विटी शेयर्स दे रहा है ऑफ वन ईच, तो 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ वन ईच 1,20,000। अब टोटल परचेज कंसिडरेशन है 7,20,000, कहीं भी लिखा हुआ है रेस्ट पेड इन कैश? आप ढूंढिए देखिए, जनरली लिखा होता है रेस्ट पेड इन कैश, इस समय नहीं है, और ये टैली नहीं हो रहा। देखो माइनस करोगे तो डिफरेंस आ रहा है, 7,20,000 माइनस 360 माइनस 180 माइनस 120, सो डिफरेंस क्या है? वो सिक्योरिटीज प्रीमियम चार्ज कर रहा है, नैनो लिमिटेड हमसे प्रीमियम चार्ज कर रहा है। 7,20,000 में से ये तीनों वैल्यूज माइनस करिए, डिफरेंस आएगा 60,000, वो हमसे प्रीमियम चार्ज कर रहा है। अब 1 रुपए का शेयर 60,000 रुपये प्रीमियम, 1,20,000 के पीछे, तो 8 आना प्रीमियम हो गया, मतलब ये शेयर अब हमारे को 1.5 रुपए में पड़ रहा है। ओके, आगे सब में याद आए, काम आएगा, कहीं याद रखे, 1.5 रुपए का शेयर है ये। और आप हिंट भी देखिए, डिबेंचर्स पार पे इशू कर रहा है, मतलब समझने की बात है, शेयर्स प्रीमियम पे इशू कर रहा है, और वो प्रीमियम हमें निकालना है। ये सम की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। रियलाइजेशन अकाउंट ड्रॉ करें 10-15 लाइंस, न्यू कंपनी शेयर्स डिबेंचर्स पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश बैंक, ये सारे अकाउंट्स आपने ड्रॉ करे हैं। अब हम लोग सबसे पहले रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड टू सन्ड्री एसेट्स लिखेंगे और सारी ओल्ड वैल्यूज लिखेंगे, फिक्स्ड एसेट्स स्टॉक डेटर। तो ये हम लोग रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड फिक्स्ड एसेट स्टॉक डेटर्स और इनका टोटल यहां लिखेंगे। अब बी का कैपिटल दे रखा है, डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड इज अ डेबिट साइड, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बी डी, बी के कॉलम में 80,000। अब कैपिटल ऑफ ए दे रखा है, तो बाय बैलेंस बी डी ए के कॉलम में लिख लिया। अब लोन ऑफ ए है और ए पार्टनर है, फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो उस केस में आपको यहां नहीं बोला गया है कि पार्टनर का लोन अकाउंट बनाइए, राइट? उस सिनेरियो में लोन ऑफ पार्टनर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड चला जाता है, तो यहां पे बाय एज लोन ए के कॉलम में आप लिखेंगे 2,10,000। फिर बैंक का लोन है और क्रेडिटर है, तो ये तो बाय सन्ड्री लायबिलिटीज में आएगा, लोन ऑफ बैंक क्रेडिटर्स और इनका टोटल 3,30,000। फिर रिजर्व्स दे रखा है 50,000, जो 3:2 में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो बाय रिजर्व्स 50,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 30,020,000 आएगा। हमने पूरी बैलेंस शीट कॉपी कर ली, अब हम 5 स्टेप्स में संपूरा करेंगे। पहला स्टेप होता है रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखना बाय न्यू कंपनी जो नैनो लिमिटेड है, परचेज कंसिडरेशन 7,20,000 क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट। नैनो लिमिटेड में डेबिट साइड आप लिखोगे टू रियलाइजेशन 7,20,000, जहां पर फर्स्ट स्टेप खत्म हुआ वहीं सेकंड स्टेप शुरू होगा। हमें कैश मिल रही है, स्टेटमेंट टू में आप चेक करें, डिबेंचर्स मिल रहे हैं 1,80,000 और इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं
तो मैंने आपको बता दिया था शेयर्स में आप 1,80,000 लिखेंगे, बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ नैनो लिमिटेड 1,80,000, और ये आपका अकाउंट स्क्वेड अप हो गया। ये आए क्रेडिट इफेक्ट, अब आना चाहिए डेबिट इफेक्ट। कैश में डेबिट साइड आप लिखेंगे टू नैनो लिमिटेड, शेयर्स में और डिबेंचर्स में डेबिट साइड, डिबेंचर्स है तो डिबेंचर्स अकाउंट के डेबिट साइड टू नैनो लिमिटेड, शेयर्स में भी डेबिट साइड टू नैनो लिमिटेड। अब शेयर्स का बंटवारा हो रहा है तो बी 18,000 शेयर्स लेके जाएगा और बाकी बाकी जो बैलेंस बचता है उसको कैश में दे देंगे। अब 18,000 शेयर्स लेके जा रहा है, एक शेयर कितने रुपए का है याद करिए, बिल्कुल सही 1.5 रुपए का है। तो अगर नजर की दुर्घटना घटी है ना, अगर आपने 1 रुपया ले लिया होता है तो यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती, 1.5 रुपए का शेयर है। तो शेयर्स में हम लिखेंगे बाय 20 कैपिटल 18,000 इंटू 1.5, 18,000 शेयर्स दे रहा है इंटू 1.5, कैलकुलेट ऑन करें 27,000 आएगा क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा डेबिट इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड टू शेयर्स ऑफ नैनो लिमिटेड, बी के कॉलम में लिखेंगे 27,000। बाकी के डेफिनेटली शेयर्स कौन लेके जा रहा है, ए लेके जा रहा है क्योंकि बेच तो नहीं रहे हैं, कहीं लिखा हुआ नहीं है शेयर्स बेचे जा रहे हैं। तो 1,80,000 का टोटल किया, ये टोटल इधर गया, डिफरेंस बाय एस कैपिटल 1,53,000 क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, यहां पर डेबिट साइड लिख लेंगे 1,53,000। डिबेंचर्स के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, मतलब डेफिनेटली अब ए ही लेके जा रहे हैं क्योंकि बी को तो अपन ने शेयर्स दिए हैं, तो इस 1,80,000 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो बाय एस कैपिटल में, क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा डेबिट इफेक्ट टू डिबेंचर्स ऑफ नैनो लिमिटेड, ए के कॉलम में डेबिट इफेक्ट दे दिया। अब आप चेक करिए, अगर कोई एसेट नहीं लेके जाता है तो फॉर्म बेचती है, और लायबिलिटी जो नहीं लेकर गई या तो कोई नहीं कुछ नहीं लेकर गई तो वो सारी पे करनी पड़ेगी। अब डेटर्स 60,000 रियलाइज करेंगे, डेटर्स डेबिट साइड है, जब रियलाइज होते हैं तो क्रेडिट साइड आ जाता है बाय बैंक। डेटर्स 60,000 उसका रियलाइजेशन वैल्यू दे रखा है, क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, बैंक अकाउंट में टू रियलाइजेशन 60,000। अब लाइबिलिटीज तो क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं हम लोग, ऐसा लिखा हुआ है 1,71,000 में, और बैंक लोन को भी डेफिनेटली पे करना ही पड़ेगा तो टू बैंक, क्योंकि क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड है, जब पेमेंट होगी तो डेबिट साइड आ जाएंगे 1,71,000, एंड लोन को भी पे करना ही है राइट, तो 1,50,000 इनका टोटल करेंगे, यहाँ लिखेंगे डेबिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट बाय रियलाइजेशन 3,21,000। अब इसमें सम में एक पॉइंट है, ए डायरेक्टर बन गया राइट, ए विल बी एम्प्लॉयड एज अ डायरेक्टर, बट बी सिंस रिटायरिंग ए एग्री टू अलाउ हिम 30,000 एज कंपनसेशन। ए कंपनसेट कर रहा है बी को, यानी बी के लिए इनकम है 30,000 की, और ए अपने कैपिटल अकाउंट में से दे रहा है, मतलब ए के लिए ड्रॉइंग्स है, डी फॉर ड्रॉइंग्स, डी फॉर डेबिट, किसके लिए ड्रॉइंग्स है, ए। तो ए के डेबिट साइड आप लिखेंगे टू बीज कैपिटल 30,000, ए अपने कैपिटल में से बी को दे रहा है तो ए के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट साइड आ गया, बी के लिए इनकम है तो बी के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय एज कैपिटल बी के कॉलम में 30,000, क्योंकि बी को निकाल दिया, ए डायरेक्टर बन गया, तो उसने बोला टेंशन नहीं कर, मैं तेरे को 30,000 रुपये कंपनसेशन दे देता हूँ। अब आप रिलेशन अकाउंट बंद करेंगे, टोटल उस दिस साइड डिफरेंस टू पार्टनर्स कैपिटल ए एंड बी 1,89,000, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डेबिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट बाय रियलाइजेशन राइट। अब टोटल करेंगे वाज दिस साइड डिफरेंस टू कैश
80,400, कैश अकाउंट में बाय इज कैपिटल 80,400। सिमिलरली बी का अकाउंट ओपन करेंगे गोज दिस साइड, डिफरेंस 18,600, कैश में बाय बीज कैपिटल 18,600, कैश अकाउंट स्क्वाड होना चाहिए 4,20,000 ऑन बोथ द साइड्स। विश यू गुड लक।